बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे, स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। 22% पे शरह सूद को बरकरार रखा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने तमाम मौची एदादोशुमार का जायजा लिया और उसके बाद ये फैसला हुआ कि शरह सूद को 22% पे बरकरार रखा जाएगा। 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ है। इसके असरात अब हमारी ट्रेड पर, हमारी इंडस्ट्रीज पर क्या मुरतब होंगे, इस पर आम तफसीली बात करेंगे। बात है कि ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF से हमें स्टैंड बाई एग्रीमेंट की आखिरी ट्रांच मिल जाएगी। $1.1 बिलियन की हमें ये किस्त आखिरी मिलेगी। उसके बाद हम एक बड़े और तवील एग्रीमेंट में दाखिल होंगे और इसी हवाले से IMF की टीम पाकिस्तान भी आएगी। बहरहाल अगर हमारी जो किस्त है IMF से वो हमें आज मौसूल हो जाती तो हमारे रिजर्व्स बढ़ जाएंगे। इसके अलावा गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने एक तकरीब में खिताब किया और खिताब में कहा कि मौशी हालात गुज़श्ता साल इंतहाई ख़राब थे, इस साल काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, महंगाई की शरह कंट्रोल हो रही है, करंट अकाउंट बैलेंस भी कंट्रोल हो रहा है और आइंदा वाले दिनों में अगर महंगाई कम होती है तो हम शरह सूद में कट दे सकते हैं, शरह सूद कम हो सकती है। बहरहाल ज़र मुबादले के ज़खायर तकरीबन $8 अरब हो गए, गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा। और ये जितने भी इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं इसका क्रेडिट हुकूमत और स्टेट बैंक की मुश्तरका काविशों को जाता है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए शरह सूद को 22% पे बरकरार रखा है। अगर महंगाई कम हो जाती है आइंदा वाले दिनों में तो शरह सूद में भी कमी हो सकती है। इसके अलावा आज हम प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन बर वक्त पासपोर्ट का इजरा करने में बुरी तरह नाकाम रहा है। इस हवाले से हम प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि जब पासपोर्ट का इजरा बर वक्त नहीं होगा तो लोगों को बाहर जाने में मुश्किल होंगी और जब बाहर जाने में लोगों को मुश्किलात होंगी तो उससे हमारी रेमिटेंसेस डिस्टर्ब होंगी। 5 से 6 माह गुजरने के बावजूद ई पासपोर्ट और दीगर जो नॉर्मल पासपोर्ट होते हैं उनकी डिलीवरी ऑन टाइम मुमकिन नहीं हो सकी है। बैरून मुल्क से जदीद 12 नए पासपोर्ट की प्रिंटिंग मशीनें भी पाकिस्तान नहीं पहुँची हैं। नए पासपोर्ट बनवाने और पुराने पासपोर्ट की तजदीद कराने वाले शहरी इंतहाई परेशान हैं। तकरीबन मुल्क भर से 7 लाख पासपोर्ट जो हैं उनका इजरा रुका हुआ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास स्टेशनरी के मसाइल हैं, हमारे पास मशीनरी के मसाइल हैं, फिर हमारे पास मैनेजमेंट के मसाइल हैं और इसका जो बराह रास्त असर है वो हमारे उन पाकिस्तानी भाइयों की जॉब्स के ऊपर पड़ रहा है जिनको बाहर जाना है, जॉब्स करनी है और फिर वो रेमिटेंसेज हमारे पाकिस्तान के रिजर्व्स में आएंगे। तो ये सारा एक साइकिल है जो डिस्टर्ब हुआ है। महकमा पासपोर्ट और इमिग्रेशन की जो कारकर्दगी उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी 22% पर बरकरार रखी गई है, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इन तमाम पॉइंट्स को हम इस प्रोग्राम में तफसीली डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलमान नकवी, मायरे मौशियात हैं, स्टॉक एक्सपर्ट भी हैं, अदनान पराचा मायरे मौशियात हैं, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स के साबिक तर्जुमान भी हैं, और शब्बीर मंशा इस वक्त हमें वीडियो कॉल पे ज्वाइन कर चुके हैं, चेयरमैन पाक बिजनेस काउंसिल हैं। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का। सबसे पहले मैं रुख करूंगा सलमान नकवी आपकी जानिब। मार्केट का आगाज़ हुआ, मार्केट ग्रीन जोन में ट्रेड होती रही और फिर तारीख की बुलंदतरीन सतह पर गई, फिर एकदम सरमायाकार मुतात हुए और शेयर्स को फरोख करने लगे और 1000 पॉइंट्स की मंदी के साथ मार्केट क्लोज हुई। अनचेंज रखने की तवक्कुआत थी, ज़्यादातर चांसेस यही थे कि इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा जाएगा, उसके बावजूद भी इतनी पैनिक सिचुएशन स्टॉक मार्केट में बरपा हुई। हमेशा मॉनेटरी पॉलिसी जब भी अनाउंस होती है कॉशियसनेस नज़र आती है और अकॉर्डिंग टू दी एक्सपेक्टेशन उसकी स्टॉक मार्केट पर असर होता है। अर्ली मॉर्निंग हमने जो हमारा जो आइडिया था और हम जो न्यूज़ वगैरह देख रहे थे और जो हमारी स्टडी थी, क्योंकि इन्फ्लेशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी खासी कमी आई है और रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव हो गया है, तकरीबन 1.2% से रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है जी। लेकिन अभी अप्रैल के फिगर आना बाकी है और हमारी इतलात ये हैं कि अप्रैल के फिगर और अच्छे आ रहे हैं, यानी इन्फ्लेशन में मज़ीद कमी वाक़ होगी। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कहना चाहिए कि एक चीज़ जिसका हमें डर था और वही गालिब आई, और वो चूँकि अभी IMF से बातचीत हमारी स्टार्ट होने जा रही है नेक्स्ट मंथ, और बड़ी जो मेन हमें जो ट्रांच है जो मेन एग्रीमेंट करना है IMF से जिसका टारगेट है वो होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला अगले महीने, उसकी तैयारी भी करना है। और उसकी तैयारी में यकीनन इस बात का गुमान था कि मॉनेटरी पॉलिसी को मेनटेन ही रखा जाएगा, क्योंकि IMF की हमेशा से ही डिमांड रही है कि इन्फ्लेशन को हर हाल में जो है मद्देनज़र रख के मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाए। तो लिहाजा
IMF से डील होना बहुत इंपॉर्टेंट था, मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट इस दफ़ा नहीं घटा है तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में यकीनन घट जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन डाउनवर्ड है। और इसके साथ साथ तमाम बिजनेस कम्युनिटी की ये डिमांड है क्योंकि 22% के पॉलिसी रेट पर कोई भी बिजनेस जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। और ये जो ड्रामाई अंदाज में एकदम से मार्केट 1000 पॉइंट माइनस हो गई एकदम, इसको आप किस तरह नहीं इसको इस तरह कह सकते हैं चूंकि मार्केट एक काफी हाई ऑल टाइम हाई पर चल रही है जी, और करेक्शन आनी थी, ड्यू थी करेक्शन, 6-7 हज़ार पॉइंट बढ़े हैं पिछले चंद सेशंस में जी। जस्ट आफ्टर ईद जो है वो मार्केट मुसलसल पॉजिटिव गई है और अच्छे खासे, जाहिर है जब करेक्शन होगी तो उसका क्वांटम भी इतना ही होना था, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है इसको हम मंदी या घबरा उसमें नहीं ले सकते, इसको करेक्शन कॉशियस अप्रोच ले सकते हैं। हो सकता है कल मजीद हम करेक्शन देखें क्योंकि एक पॉलिसी रेट अनाउंस हो गया है, अनचेंज रखा गया है, तो लिहाजा हो इंपैक्ट तो नेगेटिव ही आएगा स्टॉक मार्केट पे यकीनन, क्योंकि जो सिक्लिकल हमारे सेक्टर्स हैं जिसमें सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल और हर वो सेक्टर जो लेवरेज्ड है, उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इंटरेस्ट रेट घटेगा तो उन्हें फ़ायदा होता, लेकिन अब चूंकि इंटरेस्ट रेट बरकरार रखा है तो उसमें यकीनन गिरावट आ सकती है, तो कल हम हो सकता है मजीद मार्केट में मजीद करेक्शन की तवक्को आते हैं। अच्छा शब्बीर मंशा, मैं अब आपकी तरफ आऊंगा, इंटरेस्ट रेट को छठी बार अनचेंज रखा गया है, छठी बार अनचेंज रख तो लिया इन्फ्लेशन की फिगर्स को सामने रख के, लेकिन मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क में जो सरकारी अदाद शुमार है महंगाई के वो कुछ और हैं, और अगर मैं ग्राउंड रियलिटी पे जाऊँ तो वो कुछ और हैं। मैन्युफैक्चरर होलसेलर के दरमियान एक गैप है, होलसेलर रिटेलर में एक गैप है, और फिर रिटेलर और कंज्यूमर में गैप है, तो ये गैप तो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता, तो आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा, इन्फ्लेशन तो मजीद बढ़ेगी, पेट्रोलियम मसूआत बिजली गैस की कीमतों में इजाफा होगा, क्या कहते हैं हम इस हवाले से? पहले तो इन्फ्लेशन के ऊपर हम बात कर लें, क्योंकि इन्फ्लेशन ओवरऑल ईयर टू ईयर कैलकुलेट की जाए और मंथ टू मंथ कैलकुलेट की जाए तो नंबर्स, जैसे मेरे कुलीग पहले बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि इस वक्त नंबर्स बेहतर है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रैल के नंबर्स उस हिसाब से और बेहतर आएंगे। हमें बहुत मायूसी हुई है ये देख के स्टेट बैंक इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज को रियलाइज नहीं कर रहे हैं, और पहले ऑलरेडी जिस वक्त इन्फ्लेशन ज्यादा थी और उस वक्त भी 22% का रेट मेंटेन किया गया था तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे भी उस वक्त प्लान हो गया था, तो हम ये चीज नहीं इम्पैक्ट को रियलाइज कर सके या हम IMF को पावर करा सके। बारहा में अपने मुख्तलिफ गुफ्तगू के दौरान ये बात शेयर करता रहता हूँ कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे जब ये सबसे बड़ी बोरोइंग है वो करीब 90% के करीब वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, और बाकी 10% या 12% के करीब वो बोरोइंग प्राइवेट सेक्टर की है। और जहां तक ये जो इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक डायरेक्ट पड़ता है वो ये पड़ता है कि कंज्यूमर्स की बाइंग कम हो, कंज्यूमर उसमें ज्यादा कंजम्पशन कम करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो, तो अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर स्लो डाउन होएगी और सिर्फ 10% को इम्पैक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है कि जो गवर्नमेंट है उसको 1% बढ़ने से 265 अरब रुपए का इम्पैक्ट पड़ता है, और जब उसके बजट में आम अल्फाज में अगर बजट में उनको खसारा होता है तो उनको 265 अरब रुपए कमाने पड़ेंगे, अगर वो 265 अरब 1% से कमाने पड़ते हैं तो ये कितना बड़ा हम टैक्स का बर्डन आम आवाम पे, क्योंकि हमारा रिवायत इनडायरेक्ट की है, बल्कि ये अगर एक फायदा पहुंचाने के लिए उल्टा नुकसान होता है कि क्योंकि गवर्नमेंट सबसे बड़ी बैंकों की बोरोर है और इस वक्त सबसे ज्यादा 39 खरब के करीब जो है इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बाइंग है, तो इस हिसाब से पहले तो एक तरफ इंडस्ट्री का चल पाना महाल है, इंडस्ट्री का चल सकना पॉसिबल नहीं है, और दूसरी तरफ ये जो कंजम्पशन है उन ममालिक में ज्यादा होती है जिसने अपना मोबाइल खरीद लिया हो या नई गाड़ी खरीद ले या फिर वो कोई नया टीवी लेकर आ जाता है वो तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर उसकी भी वो बाइंग करते हैं, तो जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट को उसके साथ फ्लक्चुएट करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज हम शायद अपने मौकफ को समझाने में बिल्कुल नाकाम हो गए हैं कि एज ए नेशन के हमारे ऊपर इसका पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, और हम दूसरे एंगल पे यूं भी देखते थे कि पहले अगर नेगेटिव इम्पैक्ट रेट के तरफ चला रहे हैं तो एक तो तरफ तो इससे हुकूमत को फायदा होगा, उल्टा महंगाई में कमी वाकई होगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी को तो बिल्कुल बंद करने के मुतरादिफ है, लेकिन इसके अंदर हमें काफी मायूसी है कि स्टेट बैंक को इस चीज को रियलाइज करना चाहिए कि हमारे मौजूदा हालात उन वेस्टर्न कंट्रीज की तरह नहीं है जिस तरीके से वो इस चीज के इकोनॉमिक पॉलिसीज को उस तरह वो लेके चले।
मायूसी हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो पहले ही नहीं चल रही, अब शरह सूद को 22% पे बरकरार रखा गया है, इसके मनफी असर मुरतब हो रहे हैं। और दान पराचा मुझे ये बताएं कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसवाक की कीमतों में भी इजाफा होगा, बिजली भी महंगी होगी, गैस भी महंगी होगी, तो इन्फ्लेशन तो और बढ़ेगी। जब इन्फ्लेशन के फिगर्स की बात की जाती है तो आने वाले दिनों में तो इन्फ्लेशन के फिगर्स आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, तो शरह सूद को अगर 22% पर ही मुस्तकिम रखा जाएगा आने वाले दिनों में भी, तो आप समझते हैं कि सर्वाइवल हो पाएगा? देखिए बहुत शुक्रिया। शरह सूद तो पिछले एक साल से इसी रेंज पे खड़ा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो है उनका चलना मुहाल हो गया है। देखिए इस टाइम पे तो इंडस्ट्री के लिए तकरीबन 5 से 7 साल के मिनिमम एक पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि एक गवर्नमेंट अगर वो पॉलिसी बनाए तो अगली गवर्नमेंट उसको कंटिन्यूटी होनी चाहिए। यहाँ पे देखने में ये आया कि हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लिए अगर एक गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो दूसरी गवर्नमेंट आके उस पॉलिसी को चेंज करती थी, जिसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री का पहिया है वो रुकना शुरू हो जाता है। इन्फ्लेशन के फिगर बढ़ने से क्या हुआ है कि इस टाइम पे हमारी 50% जो है हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो है वो इस टाइम पे अपनी पूरी शिफ्ट नहीं चला पा रही, और कुछ इंडस्ट्री इस टाइम पे बंद होने के करीब आ गई है। देखिए इस टाइम पे इंडस्ट्री को सांस लेने की ज़रूरत है, सांस का उनको मौका देना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, बिजनेस कम्युनिटी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, एक्सपोर्टर्स को, सबको ऑन बोर्ड बिठा के उनके मुताबिक ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री का उसका कम से कम पहिया जो है 80-90% स्टेज के ऊपर ले जा सके। लेकिन 22% इंटरेस्ट के ऊपर किस तरह इंडस्ट्री चलेगी? एक इंडस्ट्री अगर 1 करोड़ रुपया अगर लोन लेती है तो वो आप ये देखें कि उसका इंटरेस्ट रेट 22% के साथ बैंक से जब लेते हैं 25% पर वो खड़ा होता है, तो 4 साल में वो इतना, क्या वो इंडस्ट्री इतना कमा पाएगी कि वो बैंक को वो पे बैक भी करेगी और अपने पहिया अपना पहिया भी इंडस्ट्री का चलाएगी और अपना घर भी चलाएगी? ये पॉसिबल नहीं है। उसके साथ साथ हमारे जो न्यू एवेन्यूज जो हैं वो एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जब तक देखें इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता, इसको 17-18% पे नहीं लाएंगे, उस वक्त तक हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो है उसका चलना नामुमकिन हो जाएगा। 17-18% पे अगर शरह सूद आ जाती है तो यकीनन हमारा एक्सपोर्ट का पहिया चलेगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक शब्बीर मंचा, मेरा सवाल आपसे है, ये मुझे बताएं कि अब हम जब IMF के नए प्लान में दाखिल होंगे तो क्या मौजूदा गवर्नमेंट IMF को ये बता पाएगी कि इस वक्त हमारी इंडस्ट्रीज नहीं चल रही? जब हमारी इंडस्ट्रीज नहीं चलेगी, हमारी एक्सपोर्ट नहीं होगी, तो हम डॉलर कमाएंगे नहीं, तो फिर कर्जों में डॉलर अदा कैसे करेंगे? तो ये बात बताने के लिए हुकूमत के अंदर क्या इतनी हिम्मत है, इतनी ज़रूरत है कि वो IMF को इस बात पे राम कर सके कि हमें इंटरेस्ट रेट कम करने दिया जाए, क्योंकि IMF ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट को टाइट रखा जाए। तो आने वाले दिनों में हुकूमत की क्या पॉलिसी होनी चाहिए इंटरेस्ट रेट के हवाले से? देखिए जी, सबसे पहले तो हम अपना कसूर समझें कि हमारा हाउस इन ऑर्डर नहीं है जी, और IMF में जाने का मतलब ही ये है कि हम IMF की या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सर्टिफिकेशन के लिए बुनियादी तौर पे जा रहे हैं, और उस जब प्रोग्राम में आ जाते हैं तो हमें उनके अंदर ये एक चीज हमारे को बिल्कुल क्लैरिटी है, तो उसमें ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होगा। लेकिन हमारे को कुछ अपने फंडामेंटल्स हैं, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसके अंदर अपनी बात को सही तरीके पेश करने की जरूरत है। अब हमारे पास जो टैक्स कलेक्शन की मशीनरी है, इंटरेस्ट रेट का जो हमने ये जिक्र किया, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज की बात है, ये बड़े अहम बातें हैं जिसको हम लोग को चाहिए कि इसको आगे लेके चले। अहम तरीन नुक्ता, जैसे अभी मेरे कुलीग ने बात की कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज, हमारा यकीनन इस पर पुरजोर मुतालबा हमेशा से रहा है, और हम फिर दोबारा आपके प्लेटफॉर्म से भी यही दरख्वास्त करेंगे कि हमारे को कौमी स्टेट पॉलिसी दी जाए, रियासती पॉलिसी दी जाए, ना कि हकूमती पॉलिसी दी जाए, क्योंकि ये कलमिया सा ये रहा है कि जो साबका पॉलिसी होती है वो नई गवर्नमेंट आती है, पुराने मामलात को सही नहीं समझती है और वो उसके अंदर उसमें चेंजेस ले आती है, जिसकी वजह से हम रोज किसी न किसी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। हमें बता दिया जाए कि ये पॉलिसी आइंदा नहीं करने की है, जैसे पिछले अरसे में एक पॉलिसी थी जिसको रियल स्टेट की पॉलिसी हम सालों साल से लेके चल रहे थे जी। और उसके बाद फिर हमारे को ये समझाया गया कि ये पॉलिसी है, हुकूमत उनको उन्होंने हमें समझाया कि जी कि ये आज के बाद पाकिस्तान के लिए काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हम सालों साल दहाइयों की दहाइयां एक पॉलिसी पे चलें और फिर एकदम पूरा उसमें शिफ्ट लें? इसी तरीके हम मुख्तलिफ वक्तों में, जैसे हमारे पास टर्फ की स्कीम आई थी, जिस तरह हमारे पास CNG की स्कीम आई थी, जिसी तरह हमारे अब
अभी रिसेंटली ये सोलर के मामला आ रहे हैं कि जी के उन आईपीपीस को हम रिन्यूअल देते हुए बाबूशाही ख्याल नहीं करती है और उस वक्त उनको समझ नहीं आती है कि जब आईपीपीस को लाइसेंस दे रहे हैं तो कैपेसिटी चार्जेस कितने ज्यादा देने पड़ेंगे और फिर जिस वक्त लोग अपने पैसों से अपना सोलर लगा के खुद के लिए अगर अपनी जरूरत का वो काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए आप उसको टैक्स लगाने की तरफ बड़ी उनको फिक्र हो जाती है। हम तो इनके यहाँ पे हमारी मकामी तौर पे हमारी जो सियासी लीडरशिप है बेहतरीन पॉलिसीज देती है और अक्सर उसमें जो अप्रोच होती है उनकी बेहतरीन होती है। तो आप लोग जो पॉलिसीज डिजाइन करते हैं शबीर साहब, आप लोग जो पॉलिसीज डिजाइन करते हैं फेडरेशन के लेवल पर, तो वो आप हुकूमत से जब कंसर्न करते हैं तो वहां से क्या जवाब आता है? यही तो अलमिया है कि यही बाबूशाही जो है हमारे जो इस्लामाबाद में बैठी हुई टीम्स हैं जो कि हमारी एक्चुअली लीडरशिप है पॉलिटिकल, उसके साथ हमारा सही कनेक्ट ही नहीं होने देते हैं। जो हम पॉलिसीज यहाँ से देते हैं वो SRO दे देते हैं। एक SRO है जिसका नाम है 350। बिल्कुल। अब उसके अंदर इतना बड़ा क्योस हो चुका है, इतनी ज्यादा तकलीफ है, लोगों के रोज तांते बने हुए हैं, हर चैम्बर अब हर एसोसिएशन उसके ऊपर एतराजात लगा रही है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, मगर वो SRO लगा दिया गया, लोग एक्सटेंशन ही लेके या फिर नॉन फाइलिंग के ऊपर बैठे हुए, उसमें सिस्टम में गुंजाइश ही नहीं है। तो ये ऐसी पॉलिसीज जो कि डूएबल नहीं होती हैं और वो ख्वाहिशों पे बन जाती हैं और वो लोग लगाते हैं जिन्होंने शायद कभी कारोबार में कारोबार किया ही नहीं होता है। तो ये ऐसे बड़ा सीरियस मसाइल है और जब तक स्टेक होल्डर्स का इनपुट नहीं होगा और स्टेक होल्डर्स उसके अंदर तमाम मसाइल के साथ हुकूमत के साथ बैठ के काम करेंगे तो मुल्क की तरक्की में वही सही रास्ते, एक्सपोर्ट्स जो आपने जैसे जिक्र किया कि एक्सपोर्ट्स के अंदर जब तक प्रोडक्शन नहीं होगी तो एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट कहाँ से बनेगी, और जब तक एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगी तो कैसे मुमकिन है कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और जिस हालत में बिजली के रेट नेफ्ट पहुंच गए हैं, जिस तरह हमारे पेट्रोलियम की कॉस्ट है, जिस तरह हमारे डॉलर की डिवेल्यूशन ऑलरेडी हो चुकी है, इन हालात में हमारी इनपुट्स इतनी महंगी हो चुकी है। हुकूमत की तरजियात में इंडस्ट्रियल सेक्टर है शबीर साहब, आपको लगता है हुकूमत की तरजियात में इंडस्ट्रियल सेक्टर है? इसमें मैं बाज़ औक़ात में हुकूमत से ज्यादा जो है ना मैं बहुत ज्यादा महसूस करता हूँ कि उनकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जाता, पर अच्छी पॉलिसीज आती हैं और हुकूमत कोशिश भी करती है मगर ग्राउंड पे जब तक वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं या हो कौन इंप्लीमेंट नहीं करने देता, कौन रुकावट बनता है, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि कौन नहीं करने देता, बिकॉज रिवायती तौर पे ये 70 साल से यही तरीकाकार चल रहा है कि एक बेहतरीन पॉलिसी कोई लाई जाती है और उसको किसी ना किसी तरीके कामयाब नहीं होने दिया जाता। अदनान पराचा, मैं आपकी जानिब आऊंगा, अगर हम कोई पॉलिसी बना भी लेते हैं, वैसे तो हम लोग पॉलिसी के लफ्ज़ पे यकीन ही नहीं रखते, जो हकीकत बात है, जो लफ्ज़ पॉलिसी है इसके पीछे कौमों का मुस्तकबिल महफूज होता है, हम तो कोई पॉलिसी बनाते ही नहीं है, चले हम गलती से बना भी लेते हैं तो हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, उसको कैरी ऑन नहीं कर पाते, हम अपनी लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते, मेड इन पाकिस्तान के फार्मूले पर अमल नहीं कर पाते, हम कब अपने पांवों पर खड़े होंगे, कब हम ये समझेंगे कि हमारी इंडस्ट्रीज चलेगी तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे। आज बांग्लादेश कहाँ खड़ा है, वियतनाम कहाँ खड़ा है, इंडिया कहाँ खड़ा है, हम लोग क्यों नहीं समझते? दान साहब प्रॉब्लम क्या है? नहीं, जहाँ तक आपने बात की बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के रिजर्व भी अब 2021 के मुकाबले में 2023-24 में कम हुए हैं, लेकिन 20 अरब डॉलर हैं और 20 अरब डॉलर जो बांग्लादेश के रिजर्व्स हैं, इतने डॉलर्स हमारी अशराफिया के पास घरों में रखे हुए हैं। ये देखें, वो तो वो एक अलग करप्शन तो हमारे मुल्क में कूट कूट के बनी हुई है। देखें गिलानी साहब, करप्शन हर मुल्क में होती है जी, ठीक है ना, करप्शन किसी लेकिन इस वक्त जब हाली की जानिब गामजा रहे हैं, बांग्लादेश तो तरक्की कर रहा है, हम तो इस वक्त अपनी बात करेंगे। जहाँ तक वो जहाँ तक वो आपने बांग्लादेश का नाम फिगर आउट किया तो इस वजह से कहा था। देखिये, मैंने पहले भी यही कहा कि पॉलिसीज जो भी है ये 5 से 7 साल या मिनिमम 10 साल की पॉलिसीज बननी चाहिए जिसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे कि शबीर साहब ने बोला कि जी पहले हमें आईपीपीस की लाइन पे लगा दिया, जब वो हो गया तो फिर अब वो आईपीपीस विदाउट प्रोडक्शन पैसा ले रहे हैं, फिर हमने जो कंज्यूमर है उसको सोलर की साइड पे लगाया, जब सोलर लोगों ने लगाना शुरू किया ताकि बोझ कम हो और अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम किया जाए तो फिर अब सोलर के ऊपर प्रेशर आ गया। तो इस तरीके से अगर ये पॉलिसीज बनाई जाएंगी कि जो शॉर्ट टर्म की होगी, पहले CNG के लाइन में लगा दिया लोगों को, जब CNG लोगों ने अपनी गाड़ियों में कॉस्ट को कम करने के लिए CNG लगाई, अब कहा कि गैस नहीं, अब तो घरों में भी गैस नहीं आ रही पकाने के लिए करना, तो प्रॉब्लम यह है कि हमारी पॉलिसीज जब तक बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड पॉलिसीज बिजनेस कम्युनिटी को बिठा के नहीं करेंगे और अगर ऊपर लेवल पे की जाएगी तो फिर कभी भी आप मुल्क के अंदर इंडस्ट्री का पहिया नहीं चला सकते। अदनान साहब, सारी हुकूमतें आ गई, तकरीबन सारी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमतें आ गई, सबके सामने आप लोगों ने ये मुद्दा रखा कि भाई स्टेक होल्डर्स को बिठाइए, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिजनेसमैन कहते हैं हमें बिठाइए,
कराची चैम्बर के कहते हैं हमें बिठाइए, हर तबका कहता है बिजनेस कम्युनिटी का कि हमें बिठाएं, और बिठाना चाहिए, हर मुल्क में ये होता है, हम क्यों नहीं बिठाते, वजह क्या है, वो वजह मैं जानना चाहता हूँ। देखिए जहाँ तक आपने बात की कि फेडरेशन और कराची चैम्बर, देखिए मुल्क भर के चैम्बर, इस्लामाबाद चैम्बर, लाहौर चैम्बर, सब चैम्बर, आपका मेन हब कराची है, आपका पूरे पाकिस्तान का इंडस्ट्री का आपका मेन हब ये है। मैंने ये चीज़ नोट करने में आई है पिछले कई सालों से कि देर इज राइट मैन फॉर द राइट जॉब होनी चाहिए। हमारे इधर प्रॉब्लम ये है कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेस ओरिएंटेड इंडस्ट्री को, और जो बिजनेस से रिलेटेड है, जिसमें एक्सपोर्ट है, जिसमें रेमिटेंस है, जिसमें दूसरी इंडस्ट्री है, उन स्पेशलिस्ट को अपने साथ बिठाते नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन स्पेशलिस्ट को अपने साथ बिठा के जब आप उनको ऑन बोर्ड लेंगे, उनको एक प्लेटफॉर्म दे दें कि जी आपने डिलीवर करना है, तो मैं समझता हूँ कि फिर पॉलिसी ज़्यादा बेहतर बन सकेंगी। देखिए सजेशन हर बिजनेस फोरम के ऊपर और हर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बिजनेस कम्युनिटी देती है, लेकिन उस सजेशन की जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो बिजनेस किस तरह चलेगा, इंडस्ट्री किस तरह चलेगी। जब आपकी इंडस्ट्री 50% 60% आपकी पूरी नहीं चल पाएगी तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी होगी, वो अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पर जाएगी, आपके मुल्क के अंदर टेररिज्म का और स्ट्रीट क्राइम कहाँ पे जाएगी, ये सारी चीजें देखें, ये सारी लिंकअप है, सारी चीजें लिंकअप है, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। सलमान नकवी, मैं आपकी तरफ आऊंगा, हमारे मुल्क की जो जीडीपी है वो 2% पर रहेगी, ये इम्कान जाहिर किया इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में माली साल के अख्ताम तक, या इससे भी कम रहेगी। अगर 7% से जीडीपी कम होती है किसी भी मुल्क की, तो बेरोजगारी की शरह में इजाफा होता है, करप्शन की शरह में इजाफा होता है, महंगाई रिकॉर्ड सतह पर जाती है। आज पाकिस्तान की जीडीपी 6.1 से डिक्रीज होकर 2% पे आ गई है। आप समझते हैं कि हम मौसी चैलेंजेस का मुकाबला कर पाएंगे जीडीपी पर? देखिए जीडीपी का मैं आपको बड़ा अजीब एक सिलसिला बता दूं, 6% जब जीडीपी होती है हम परेशान होते हैं, क्योंकि इकोनॉमी एक्सपेंशन पर जारी होती है, हम इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं, हमें मज़ीद डॉलर की ज़रूरत पड़ जाती है, करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है, भाग कर हमें IMF वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ता है डॉलर लेने के लिए, एक मुसीबत में फंस जाते हैं। दो दफ़ा ऐसे हो चुका है, 2017-18 में 6% GDP आई, फिर फौरन करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बड़ा आ गया, उसके बाद 2021 में 6% पे आई GDP, फिर बहुत बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट आया और बहुत बड़ी इम्पोर्ट हो गई। तो हम तो दोनों तरफ से ही फंसे हुए हैं, 2% होता है तो कम हो जाता है, यकीनन हमारे 24 करोड़ का मुल्क है और 60% यंग इसमें पॉपुलेशन है, उनको एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, उसके लिए इंडस्ट्री लगना ज़रूरी है। 2% की ग्रोथ पे कौन सी इंडस्ट्री लग सकती है, बड़े लूप होल्स हैं जनाब। और हम लोकलाइजेशन को इम्प्रूव क्यों नहीं करते, मैं कि हम इम्पोर्ट्स अपना बिल कम कर दें, लोकलाइजेशन को इम्प्रूव कर दें, हम इस पॉलिसी पे क्यों नहीं जाते? दोनों हजरात की इस बात से कतई मुत्तफिक हूँ कि स्टेक होल्डर्स को जब तक आप शामिल नहीं करेंगे पॉलिसी मैटर्स में, उनका मशवरा नहीं लेंगे, और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी को ही हम अगर ले लेते हैं, 50% हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रे इकोनॉमी है, ब्लैक इकोनॉमी, अनरेगुलेटेड इकोनॉमी है, यानी वो तो कैलकुलेशन में है ही नहीं, तो आप इंटरेस्ट रेट जितना भी बढ़ा लें इन्फ्लेशन कम नहीं हो सकता, इन्फ्लेशन कम नहीं हो सकता, ये एक फजूल सी एक्सरसाइज होती है, इससे उल्टा नुकसान होता है। दूसरी चीज़, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है, जब आप महंगा कर्जा लेके जब आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो महंगी बेचेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो ये तो एक विशेष सर्कल बन गया, जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ये समझा जाता है कि इससे महंगाई कम होगी, नहीं, महंगाई और बढ़ती है। तो लिहाजा ये चीज़, यानी ये फार्मूला नाकाम है हमारे पास, 100% नाकाम है। ये चीज़ें समझने की हैं, और इसमें जो आता है बुनियादी पहलू कि अगर ये स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बैठें और उनसे राय लें, उनके मुताबिक इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंजेस लेकर आएँ, उनके मुताबिक करें, यकीनन ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इन्फ्लेशन एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी कंट्रोल करना चाहिए, मसलन एक चीज़ जो सब्जी मंडी में 100 रुपये किलो मिल रही होती है वो बाजार आके 500 रुपये किलो, बिल्कुल मैन्युफैक्चरर होलसेलर में फर्क है, होलसेलर रिटेलर में फर्क है, रिटेलर और कंज्यूमर में फर्क है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब वक्त ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सलमान नकवी, ये मुझे बताएं, आपने कहा कि ये फार्मूला नाकाम है ब्रेक पे जाने से पहले, कि हम इन्फ्लेशन की फिगर्स को देखें, उसके बाद फिर हम जायजा निकालें और फिर हम शरह सूद का तयन करें, पाकिस्तान में ये फार्मूला नाकाम है। मान लिया पाकिस्तान के अंदर कैश ट्रांजेक्शन का फ्लो ज़्यादा है, ये फार्मूला वहाँ कामयाब होता है जहाँ पर बैंकिंग चैनल 100% हो। हमारे मुल्क में बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, आई एग्री, लेकिन
हम क्या आईएमएफ के कहने पे शरह सूद का तायुन करते हैं? आपका ये गुमान है? आईएमएफ की डिमांड इन्फ्लेशन कंट्रोल की है। अब आईएमएफ चूंकि जिन मुमालिक से मैं आया है वहाँ पे जो मईशतें हैं वो बड़ी रेगुलेटेड हैं, डिसिप्लिनड हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, जबकि आईएमएफ को शायद पाकिस्तान के बारे में इल्म नहीं कि यहाँ पे 50% अनरेगुलेटेड इकोनॉमी मौजूद है वहाँ के मुल्कों में। अच्छा, आईएमएफ के पास ये नॉलेज नहीं है, ये हो सकता है, मैं इसको अज्यूम कर लूँ या बहरहाल वो फार्मूले पर चलते हैं तो इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, बट उन ममालिक में इन्फ्लेशन यकीनन जब बढ़ाया जाता है इंटरेस्ट रेट फौरन कंजप्शन पे असर पड़ता है, इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बैंकिंग, जैसा कि आपने कहा, कंज्यूमर बैंकिंग बहुत आगे है, लोग बहुत ज़्यादा बैंकिंग चैनल को यूज़ करते हैं, लोन लेते हैं, घर लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, चीज़ें खरीदते हैं। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, अगर हमारे यहाँ भी ये रिवाज हो तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से यकीनन उनकी कंजप्शन में कमी आएगी और इन्फ्लेशन में कमी आएगी। हमारे यहाँ तो रिवाज है स्मगलिंग का, हमारे यहाँ रिवाज है टैक्स चोरी करने का, हमारे यहाँ रिवाज है चैरिटी के आड़ के अंदर घपले करने का। शब्बीर मंशा, यही रिवाज है ना हमारी मईशत का इस वक्त? मेरा ख्याल है हम अपने मसाइल के ऊपर तो अक्सर बात करते हैं और हम सारे दोस्त इस चीज की निशानदेही दुरुस्त करते हैं। मेरा ख्याल है कि गिलानी साहब हमारे को इसमें एक बात का इजाफा करना चाहिए कि अब हमें सॉल्यूशन बेस्ड गुफ्तगू। अच्छा, या मैं एक बात ऐड ऑन करूंगा शब्बीर साहब, सॉल्यूशन के ऊपर आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने एक तकरीब से खिताब किया था और उस तकरीब में उन्होंने कहा है कि अब हमारे मौशी हालात बेहतर होने जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल हमारे मौशी हालात इंतहाई ख़राब थे, इस साल हमारे मौशी हालात बेहतर हो रहे हैं, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए हैं, रुपये के ऊपर जो दबाव था वो छट गया है, डॉलर की कीमत कंट्रोल है और आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी। तो और सारा क्रेडिट जो है उन्होंने अपनी तकरीब जो खिताब जो कर रहे थे वो तकरीब से, उसमें उन्होंने कहा है कि ये क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट को और स्टेट बैंक की मुश्तरका पॉलिसियों को। आप इस बात को इंडोर्स करते हैं, सेकेंड करते हैं? लेकिन जी हालात तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो पहले से बेहतर हैं और उस चीज में बेहतरी की तरफ कुछ है, जैसे डॉलर की स्टेबिलिटी देखना या बाकी चीजें, लेकिन हमारे को अब इससे बड़े पिक्चर में देखना है। जैसे मेरे कुलीग पहले कह रहे थे कि 2% की ग्रोथ रेट पे कौन सा मुल्क इतने ज्यादा पॉपुलेशन को अकोमोडेट कर सकता है, और उनको ये चीज अपने फंडामेंटल्स को रियलाइज करने की जरूरत है। एक गुजारिश मैं इस मौके से या आपके प्लेटफॉर्म से जरूर करना चाहूंगा कि हमारे को एक नेशनल डिबेट की तरफ जाना चाहिए कैशलेस इकोनॉमी डिजिटलाइज करने की। इस वक्त हमारी इकोनॉमी का साइज है तकरीबन 380 जीडीपी का साइज है $380 बिलियन जो कि तकरीबन 550 से 550 अरब डॉलर की हमारी प्रैक्टिकल इकोनॉमी है, और अगर ये चीजें तमाम डिजिटलाइज हो जाए, तमाम ट्रांजेक्शन डिजिटलाइज हो जाए, एंड टू एंड हो जाए, तो हमारे मुल्क में ना सिर्फ इनकलाब आएगा, लेकिन इसमें मैं ताकीद करूंगा या गुजारिश करूंगा कि हमारे को एक चीज को मेक श्योर करना है कि इस मामले में से FBR को बाहर रहने की जरूरत है, क्योंकि बैंकिंग का जो निज़ाम है वो KYC का मौजूद है और उसके अंदर तमाम स्मगलिंग, तमाम अंडर इन्वॉइसिंग, तमाम किस्म की मेल प्रैक्टिस, तमाम टैक्सेस की चोरी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी अगर हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ाएंगे और डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएंगे। तो मेरी आपके तवज्जो से ये सिफारिश होगी गवर्नमेंट को कि इसकी पब्लिक डिबेट कराई जाए ताकि पाकिस्तान इसमें आगे बढ़ सके और हम सोल्यूशन बेस की तरफ चीजों में जाए, ना कि हम उन्हीं चीजों में और उसी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सजेशन लेनी चाहिए पर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सलमान नकवी साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा, 22% शरह सूद को बरकरार रखा गया है, अब क्या IPO जो स्टॉक मार्केट में आएंगे इस साल? देखिए, IPO को आना चाहिए इसलिए कि 22% शरह सूद अब हो गया तो क्या IPO आएंगे? आना तो चाहिए, अच्छी बात। IPO आना चाहिए लाजमी इसलिए कि स्टॉक मार्केट में मुफ्त में फंड मिलता है, 22% पे वो बैंक से बोरो करके एक अपना IPO अगर फ्लोट वो इंडस्ट्री कोई लगा रहा है तो इससे बेहतर है वो स्टॉक मार्केट आए, फ्री में उसको पैसे मिलेंगे, उसकी फाइनेंसिंग होगी और उसके बाद जो वो ज़्यादा तो ज़्यादा IPO आने चाहिए। और IPO क्यों नहीं आ रहे उसकी दूसरी बहुत सारी वजूहत हैं, मुल्की हालात हैं, सिक्योरिटी है, पॉलिसीज़ हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बहुत सारे वजूहत हैं जिसकी वजह से IPO का आने का जो पिछले मार्केट की करेक्शन आप कहाँ तक देख रहे हैं 22% शरह सूद पे? मेरा ख्याल है 1,000 पॉइंट आराम से और घट सकती है। अच्छा। और चूंकि
अब 1.1 बिलियन डॉलर की इंशाल्लाह आज हमें मिल जाएगी ट्रांचे। आईएमएफ से बातचीत हो रही है और अच्छी होने के इम्कान है। हुकूमत बहुत अच्छी कोशिशें कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, अपनी पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल कर रही है। सऊदी अरब से पैकेजेस, यानी हजार डेढ़ हजार पॉइंट्स, खबरें अच्छी हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ खबरें अच्छी हैं, इसलिए ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया शबीर मंशा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अदनान पराजा, सलमान नकवी, आप दोनों स्टूडियो में मौजूद थे। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर मुल्क का मुआशी पहिया, तजारती पहिया चलाना है तो हमें इंटरेस्ट रेट को घटाना होगा। ये फार्मूला कि महंगाई की शरह में जब तक कमी नहीं होगी हम इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करेंगे, ये फार्मूला पाकिस्तान में कामयाब नहीं है। बहरहाल आईएमएफ को राम करना होगा कि इंडस्ट्रीज चलेंगी, एक्सपोर्ट बेहतर होगी तो ही हम कर्ज की मद में डॉलर्स की अदायगी कर सकेंगे। रेमिटेंसेस को बेहतर करने के लिए हमें फाल किरदार अदा करना होगा। हुकूमत को, स्टेक होल्डर्स को बिठाना होगा, एक मेज पे बिठा के एक मरबूत और मजबूत पॉलिसी बनानी होगी, ख्वाब वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, पॉलिसी के ऊपर हमने डिपेंड करना होगा। आईएमएफ के साथ बैठ के भी आप पॉलिसी बनाएं, ऐसी बनाएं जो पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी की हो, आईएमएफ की भी माने और अपने जो आपके जो लूज पोल्स हैं उनको भी फिलअप करें और एक अच्छी पॉलिसी बनाएं ताकि रेमिटेंसेस भी बेहतर हो, एक्सपोर्ट भी बेहतर हो, लोकलाइजेशन को इम्प्रूव करने की पॉलिसी बनाएं ताकि हम अपने चैलेंजेस से निमट सकें, आगे बढ़ सकें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।